लेके जाएगा ना। ओके 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 साइनिंग ऑफ, थैंक यू। सगळे फेसबुकला मारा हां। भिंडी बाजार से मैंने टैक्सी ले ली है सीएसटी स्टेशन के लिए। यहाँ से लगभग सीएसटी 2 किलोमीटर के लगभग है, देखते हैं कि मीटर में कितना आता है। और ये चीज़ मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप टैक्सी में बैठो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मीटर ऑन कर दो, ऑटोमेटिकली मीटर ऑन हो जाता है। तो मात्र 32 रुपये में मैं भिंडी बाज़ार से यहाँ पर आ गया। ये टिकट मैंने ले ली है बैंड्रा की, जो कि 10 रुपये की पड़ी मुझे। अभी जो सीएसटी आप इतना खाली देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये पीक आवर्स नहीं है। मुंबई सीएसटी से मैंने धीमी लोकल पकड़ी। यहाँ पे 2 तरह की लोकल चलती है, स्लो एंड फास्ट, धीमी और तेज। धीमी वाली हर स्टेशन पे रुकते हुए आगे बढ़ती है और तेज वाली कुछ मेन स्टेशन पे ही रुकती है। और मैंने पकड़ी है धीमी लोकल, जिसमें सीएसटी से लेकर दादर के बीच सारे स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी। ये मैं उतर गया दादर। अब दादर से चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मिलेगी मुझे, वहाँ से मिलेगी मुझे बैंड्रा के लिए। नाउ लेट मी टेल अबाउट दादर स्टेशन। क्योंकि दादर वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन दोनों पे पड़ता है, इसी वजह से ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है मुंबई का। किसी भी टाइम आप यहाँ पे चले जाइए, आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी। तो पकड़ लिया मैंने बांद्रा के लिए ट्रेन। बैंड्रा, ये है आइकॉनिक बैंड्रा रेलवे स्टेशन, जिसे बनने में 24 साल लगे। 1864 में ये बनना शुरू हुआ, 1869 में ये चालू हुआ कुछ ट्रेन्स के साथ, और 1888 में जाके पूरा हुआ। तो अब मैं यहाँ से ऑटो देख रहा हूँ शेयरिंग वाला, बैंड स्टैंड के लिए। कौन जाएगा बैंड स्टैंड? एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैं आपका मस्जिद बंदर और मोहम्मद अली रोड की तरफ था, जो कोलाबाग साइड घूम रहा था मैं, बेसिकली साउथ बॉम्बे, उस तरफ मुझे सेंट्रो यानी कि टैक्सी ज़्यादा देखने को मिली थी, टैक्सी यानी कि सेंट्रो। और इस तरफ बैंड्रा साइड में ऑटो ज़्यादा है। और मैंने किसी से बात किया था तो वो बता रहे थे कि टैक्सी बैंड्रा तक आ सकती है, लेकिन बैंड्रा की जो ऑटो है वो उस तरफ नहीं जा सकते। और किराया इसका 30 रुपीज़ है, जो कि पहले 20 रुपीज़ था। थोड़ी देर के बाद में कहते हैं कि भाई उसके बाद में बोले कि 40 रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज़ अ मुंबई सर्वाइवर। अ विजिट टू मुंबई इज इनकम्प्लीट विदाउट स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स एट बैंड्रा, बांद्रा या बांद्रा कहें। कहा जाता है कि बांद्रा एक पर्सियन वर्ड बंदर से आया है, बंदरगाह वाला बंदर, जिसका मतलब है पोर्ट। और वांद्रे एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब भी पोर्ट है। बांद्रा पहले एक गांव था, एक फिशिंग विलेज, जहां पे फिशरमैन और फार्मर्स रहा करते थे। लेकिन अब बांद्रा काफ़ी बदल गया है, अब ये मुंबई का एक पॉश लोकेलिटी है, जहां पे पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। बैंड स्टैंड 1.2 किलोमीटर लंबा वॉकवे है अलॉन्ग द सी, और जहां पे ये वॉकवे ख़त्म होता है वो है लैंड्स एंड। लैंड्स एंड के अंदर है बैंड्रा फोर्ट, जिसका असल नाम है कैसल दे अगुआड़ा, जिसका मतलब है फोर्ट ऑफ द वाटर पॉइंट। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत पर राज किया। उन्होंने यहाँ पे 1534 में अपना बेस स्टैब्लिश किया, गुजरात के बहादुर शाह को हराने के बाद, और फिर कई सी पोर्ट्स बनाए इंडियन वेस्टर्न कोस्ट लाइन में। कैसल दे अगुआड़ा उनमें से एक है। ये फोर्ट 1640 में बनाया गया था एज अ सर्विलेंस स्टेशन ओवर लुकिंग माहिम्बे, द अरेबियन सी एंड द आइलैंड्स ऑफ वर्ली। चना जो गरम, मूंगफली सिंगदाना बोलता। अच्छा, मूंगफली सिंगदाना, चना कैरी। अच्छा, ये कैरी है। बैंड्रा फोर्ट को देखने से ज्यादा लोग यहाँ पे सीनिक अरेबियन सी और ये खूबसूरत बांद्रा वर्ली सीलिंग देखने आते हैं। ये है 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्ली सीलिंग, जो कि इंडिया की फर्स्ट 8-लेन फ्रीवे है, जो कि समुद्र के ऊपर बनाई गई है, और ये कनेक्ट करता है बांद्रा और वर्ली को।
इस सीलिंग से पहले लोग घूम के जाते थे बांद्रा से वर्ली, लेकिन ये बनने के बाद वर्ली जाना काफ़ी ईजी हो गया है। ऑफिशियली इसे राजीव गांधी सीलिंग कहते हैं। ब्रिज 1999 में बनना शुरू हुआ और इसका फाउंडेशन स्टोन बाल ठाकरे जी ने रखा था। यह प्रोजेक्ट 10 साल बाद 30 जून 2009 को पूरा हुआ और 4 लेन्स के साथ इसे खोला गया और फिर 24 मार्च 2010 को इसे फुल्ली ऑपरेशनल किया गया। कहा जाता है कि इस ब्रिज को बनने का एस्टिमेट प्राइस 6.6 बिलियन था, लेकिन इसका 3 गुना ज़्यादा पैसा लगा इसे बनाने में। बैंड स्टैंड में ही है मन्नत, जो कि शाहरुख खान का घर है। ऑल्दो वो यहाँ पे अपना पब्लिक अपीयरेंस अपने बर्थडे को देते हैं, लेकिन इनका घर ही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसके सामने फ़ोटो खिंचाते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि सलमान खान का रेसिडेंस हाउस है, वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं वो जाके देखता, लेकिन उसके बदले मैं जा रहा हूँ माउंट मैरी चर्च देखने। ये है मुंबई का सबसे खूबसूरत चर्च। चर्च टावर लगभग 100 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो मूर्ति है मदर गॉड की, कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में जीसस क्राइस्ट पुर्तगाल से ये मूर्ति यहाँ पे लेके आए थे। माउंट मैरी चर्च से मैंने ले लिया ऑटो और यहाँ से मैं जा रहा हूँ हिल रोड मार्केट की तरफ, जो कि लगभग 1.9 किलोमीटर है। और सेम ऑटो में बैठते ही अपने आप ये लोग मीटर ऑन कर देते हैं, देखते हैं मीटर में कितना चार्ज आ रहा है। हिल रोड मार्केट में आ गया और ऑटो में मात्र 27 रुपये लगे मुझे 1.9 किलोमीटर के। वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, चल के देखते क्या हो रहा है वहाँ पे। मुंबई में गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग पूरे साल वेट करते हैं गणेश उत्सव का, इसलिए विसर्जन के टाइम पे कहा जाता है पुर्चिया वर्षी लॉ करिया, मतलब अगले साल आप जल्दी आइए। गणेश उत्सव की शुरुआत होती है मूर्ति के आगमन से, जो कि लोग अपने घर और पंडाल में बिठाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं और अपनी मान्यता के अनुसार 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10वें दिन विसर्जित करते हैं। यह है हिल रोड। ऑफिशियली इसका नाम है रामदास नायक रोड, पर क्योंकि ये हिली स्लोप पे है इसलिए इसका नाम हिल रोड है। और ये जगह काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिए। मेरे सामने खूबसूरत वॉल पेंटिंग है और मैंने इन भैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस स्ट्रीट का नाम है चप्पल रोड और चप्पल रोड में ये आर्ट बना हुआ है। मुझे पक्का पता था कि इस रोड का नाम चप्पल रोड तो नहीं हो सकता। बेसिकली इस रोड का नाम चैपल रोड है, CHAPEL, और नाम से ये पता चल रहा है कि इस स्ट्रीट में क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। जैसे कि दिल्ली में लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, वैसे ये बांद्रा का चैपल रोड। इस पूरे स्ट्रेच में आपको ग्रेफिटी देखने को मिलेंगी। मैं ये प्लान कर रहा था कि बांद्रा वर्ली सीलिंग से होते हुए मैं वर्ली पहुँचूँ, इसलिए मैं टैक्सी कर रहा था। प्लान मैंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर है वर्ली। टैक्सी में मेरे को लग जाएंगे लगभग नहीं तो 220-230 रुपये। उसके अलावा जो टोल टैक्स है वो मुझे देना पड़ेगा, जो कि लगभग 85 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ के टैक्सी वाले ने मुझे बताया। तो कुल मिला के मुझे बांद्रा वर्ली सीलिंग से होते हुए अगर मैं वर्ली जाता हूँ तो मुझे टोटल पड़ेगा 300 से 320 रुपये। इसलिए मैंने प्लान कैंसिल किया और मैंने सोचा चलो बस ही चल देते हैं। बस
बस से जाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया और मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। ट्रेन स्टेशन यहाँ से लगभग 10-15 मिनट की वॉक पे है, कुछ ले लेते हो खाने के लिए रास्ते के लिए। और मैंने लिया ये एनी टाइम क्रीमी मैजिक, ये खाते हुए चलते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बस का कोई भरोसा नहीं है, मैं लगभग 15-20 मिनट से वेट कर रहा था, 86 नंबर की बस आई नहीं रही थी, कितना ही वेट करता मैं। और वैसे भी आज संडे है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए मैंने फाइनल डिसीजन ये लिया कि मैं जा रहा हूँ अब बांद्रा स्टेशन, वहाँ से मैं सीलिंग की, वहाँ से मैं वर्ली के लिए ट्रेन पकड़ूंगा। जब मुंबई की बात होती है तो आपने चौल वर्ड तो ज़रूर सुना होगा। चौल होता क्या है? जब बॉम्बे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा था और ट्रेड यहाँ पे काफ़ी हो रहा था, उस टाइम पे दूर दूर से वर्कर्स यहाँ पे आए काम के लिए। बॉम्बे में पहले से ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बंगलो बने हुए थे काफ़ी खुली जगह में, और क्योंकि मुंबई में पहले से ही जगह कम थी और वर्किंग क्लास लोगों को रहने के लिए भी घर देना था, तब जाके चौल्स बनाए गए। जब मुंबई और बढ़ने लगा तब वर्कर्स अपनी फैमिली को लेके यहाँ आके रहने लगे। एक चौल लगभग 4-5 मंजिल ऊंचा होता है और एक फ्लोर में लगभग 8-16 कमरे होते हैं जिन्हें खोली कहा जाता है। अभी बांद्रा स्टेशन की बुकिंग ऑफिस पर खड़ा हूँ, लाइन लंबी है और पता नहीं देखिए कब तक नंबर आता है, 15-20 मिनट लग सकते हैं। माटुंगा रोड चला गया, अब आ गया दादर। दादर पर उतरेंगे और जाएंगे और पकड़ेंगे कोलीवाड़ा के लिए बस, वर्ली कोलीवाड़ा स्टेशन उस तरफ आएगा। तो मुझे ये अंकल मिले, इनके साथ मैं जा रहा हूँ वर्ली कोलीवाड़ा और इन्होंने बताया कि 118 करके जो बस जाती है, 118 बस जाती है लेकिन वहाँ लाइन बहुत लंबी, बहुत लंबी लाइन लगी है उधर। हम वहाँ से अभी उनको किले पे जाने का है, किला तो अपना कौन सी भी बस पकड़ के सेंचुरी बाजार उतरना पड़ेगा, वहाँ से किला जाना पड़ेगा। तो चलेगा, मैं अंकल के साथ जाएगा, ठीक है अंकल लेके जाएगा ना? ओके ओके ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू। सगळे फेसबुकला मारा हां। अब हम लोग तीन साथी हो गए, 1 2 3 तीनों जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा डायरेक्ट जाने का किले पे, किले पे, किले पे जाके घूमने का। आइए ये जो आप बस देख रहे हैं ऐसी दो बस और आगे हैं और ये सारी बसें जा रही है रत्नागिरी औरंगाबाद, मतलब इन जगहों पे जाके ये गणेश कोकण लोग है ना, ये सब देव की पूजा करते हैं वो सब कोकण वासी सब, अभी रत्नागिरी गाड़ी मिले ना मिले तो प्राइवेट बस करके जाते हैं गणेश चतुर्थी मनाने ना, गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी, तो मतलब इतनी मान्यता है यहाँ पे गणेश चतुर्थी की। ये है वर्ली कोलीवाड़ा, मुंबई के 7 ओरिजिनल आइलैंड्स में से वर्ली एक था और वर्ली कोलीवाड़ा में ही रहते हैं कोली कम्युनिटी के लोग, कोली कम्युनिटी जो कि है फिशरमैन कम्युनिटी और मुंबई के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। मैं पहुंचा वर्ली फेरी पॉइंट एंड लकीली मैं पहुंचा सनसेट के टाइम पे। वर्ली विलेज के एंड में ही है वर्ली फोर्ट जिसे ब्रिटिश ने बनाया था 1675 में, जिस टाइम पे बॉम्बे 7 आइलैंड्स में था, उस टाइम पे ये फोर्ट दुश्मनों पे नजर रखने के लिए काम आता था। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।